देख रहे हैं खटपट न्यूज़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा प्रवास के दौरान जिले वासियों को विभिन्न सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री ने जिले में 836 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। उन्होंने घंटाघर मैदान स्थित ओपन ऑडिटोरियम में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र के लोगों और जनप्रतिनिधियों की मांग पर अजगर बहार व बरपाली को तहसील बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने राजस्व मंत्री जैसी अग्रवाल की मांग पर कोरबा मेडिकल कॉलेज का नामकरण पूर्व मंत्री व जन नेता स्वर्गीय बिसाहू दास महंत के नाम पर करने की घोषणा की। भैंसवा स्थित महाविद्यालय का नामकरण पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोरबा का नामकरण पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णालाल जायसवाल गुरुजी के नाम पर करने की घोषणा की। अशोक वाटिका को ऑक्सीजन के रूप में विकसित करने व इंदिरा स्टेडियम में स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने की भी घोषणा की। पहली बात यह है कि कोरबा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम स्वर्गीय कृष्णलाल जायसवाल गुरुजी के नाम से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किए जाके घोषणा करा था। दूसरा, भैंसमा में शासकीय महाविद्यालय के नाम स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर जी जनमर पूर्व उप मुख्यमंत्री जी से होकर नाम से घोषणा करा था। अब कोरबा मेडिकल कॉलेज में हम सब के सियान स्वर्गीय बिसाहू दास महंत जी के नाम से मेडिकल कॉलेज के घोषणा करा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा FCI में चावल जमा करने की अनुमति नहीं देने से धान खरीदी की व्यवस्था में व्यवधान आ गया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 जनवरी को केंद्र सरकार द्वारा 26 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने की अनुमति दी गई है। अनुमति मिलने से धान खरीदी बिना किसी परेशानी के किसानों से होगी। व्योथर्ड है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से प्रोत्साहित होकर सरकार से 1.5 गुना धान बेचने वाले किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान राज्य शासन की योजनाओं से निश्चित रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। गोधन न्याय योजना से किसान गोबर बेचकर मोटरसाइकिल की खरीदी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज। आप देख रहे हैं खटपट न्यूज।